क्रांति की शुरुआत जो है वो कुछ नीरता नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से

तो अब हम जो है आज की कहानी में हम जो है वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं हीरो कोट के मतलब हीरो बोले तो मनुष्य की बात करने वाले हैं लेकिन उसके पहले भी कई सारे जो है वो जो मैंने कहा ना कि डार्विनिज्म क्या कहता है वो कहता है ब्रांचिंग डिसेंट की बात करता है नेचुरल सिलेक्शन की बात करता है दो की कॉन्सेप्ट है डार्मिडिज्म में ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन के तो ब्रांचिंग डिसेंट में जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो मनुष्य के बारे में के पहले मनुष्य के बारे में जानने से पहले हमें उन जीवों के बारे में जानना पड़ेगा जिनसे मनुष्य का विकास हुआ है ठीक है तो चलिए तो एक काम करते हैं सुन लो ये इवोल्यूशन की कहानी मेरी जवानी हे कुछ कुछ ये जानी पहचानी चलो तो कहा कंटिन्यू करते हैं मैं अच्छा नहीं गाता हूं, मुझे मालूम है कि कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं इस बारे में ठीक है मना मन किया तो बता दिया आपको चलो तो आज हम ये जो जो शुरू से हम जो एनिमेशन देख रहे हैं इस एनिमेशन पर हम आज बात करने वाले हैं कि क्या क्या वाकई में ऐसा हुआ है कि हमारे मन की कल्पना है क्योंकि क्या जो धर्म में लिखा है जो धर्म ग्रंथों में लिखा है वो सही है या डार्विन सही है या विज्ञान सही है चलिए इस पर भी हम बात करेंगे ठीक है और लेकिन पहले कुछ प्रश्न है आपके आपके लिए आपको बताना है कि कोला कैंस जो है वो कहां मिला हमें का इसके, इसके, ये, हमने मान लिया था कि ये विलुप्त हो चुके हैं ये कहां पे पकड़ी गई थी इसके बारे में एनसीआर में बकायदा जिक्र है एनसीआरटी में इसके बारे में लिखा हुआ है और एनसीआरटी मेरे सामने है बिल्कुल आप जो है वो आपको मैं पढ़ा चुका हूं तो मैं भी देख लू कि वाकई में लिखा था क्योंकि तो मैं स्किप कर चुका हूं दिमाग से तो मैंने कहा हाँ इसमें इसके बारे में यस ठीक है इसके बारे में जो है वो कहा लिखा है इसके बारे में चलो हम पेज नंबर भी ढूंढ लेते हैं एनसीआर का है ना पढ़े हुए पिछली क्लास में हम इसको अच्छे से ठीक है ना है ना ठीक है चलिए तो हमें जो है वो इसको बेटा याद रखना है हमको ठीक है ना हाँ, यस, ठीक है। तो ये एनसीआर देखो बेटा इसके बारे में एग्जाम में आएगा। इसलिए पेज पेज नंबर नंबर का डिस्कवर किए गए थे और फिर हमने बात किया था पिछली क्लास में, कि मुर्गी अंडा पहले, पहले बना इसके बारे में हमने बात किया था ठीक है और हमने देखा था कि अंडा पहले आया है ना ठीक है चलिए रेप्टाइल से विकास दिशा में तो हमने कहा था कि रेप्टाइल से डेवलपमेंट या विकास दो दिशाओं में गया एक तो वर्ड्स की ओर उड़ गए ठीक है एक मैमल्स की ओर याद है ठीक है तो हमने जो है वो डायनासोर के बारे में बात किया था हमने अलग अलग टाइम स्केल के बारे में हमने बात किया था यहां पे अब सबसे बड़ा प्रश्न तो यह आता है हमारे सामने हम कौन है हु आर वी वी डिड फ्रॉम क्या हम वाकई में कई लोग आपको बता दूं मैं कि एक बीच में एक विचारधारा चला एक कॉन्सेप्ट चला कि मनुष्य जो है वो इस ग्रह के है ही नहीं है ह्यूम ड बिलोंग टू दिस प्लेनेट वो ईश्वर ने कहीं और से उनको लाके छोड़ दिया यहां पर और इसलिए हम सबसे अलग हैं और सब पर रूल करते हैं कि ऐसा भी कॉन्सेप्ट था तो जानने की ना हमेशा हम आदमी अपने आप को जानने की लगातार कोशिश करता रहा कि मैं हूं क्यों मेरा क्या अस्तित्व है मैं क्यों यहां पर हूं और मैं बाकी एनिमल से डिफरेंट क्यों इतना जो है मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज कहां से आई के खैर चलिए अब हमारे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि डार्मिनिज्म हमेशा कहता है आपसे कि भैया जो भी परिवर्तन हुए दे ऑल आर ग्रेजुअल क्रमिक हुए हैं ठीक है थीके? इस सब में इन्वॉल्वमेंट ने बड़ी भूमिका निभाई है थीके? तो ब्रांचिंग डिसेंट में हम देख बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो एनसेस्टल प्राइमेट्स के प्राइमेट्स याद रखिए मैमल्स को भी दो ग्रुप में बांटा हमने नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स के जो प्राइमेट्स होते हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने मिलती है ये हमने पढ़ा हुआ है ठीक है है ना प्राइमेट्स में मैंट्रोल सारे मंकीस प्राइमेट्स के अंदर आते हैं सारे के सारे जो है वो एप प्राइमेट के अंदर आते हैं सारे के सारे ह्यूमन विंग्स प्राइमेट के अंदर आते हैं ठीक है ना ठीक है क्लियर और हमने ये शुरू में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पढ़ा हुआ था कि प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने मिलती है हमको ठीक है कंटीन्यूअस ब्रीडर होते हैं ये ठीक है तो देखिए इसमें हमने क्या देखा लॉरिसेस के लॉरिसेस की बात करें हम लीमर्स की बात करें हम ये टार्शर्स की बात करें ये क्या होते हैं ये आते ये भी प्राइमेट से आते हैं याद रखिए ये यानी जो ये मनुष्य के समान नहीं दिखाई पड़ते हैं पर हमारे पूर्वज के जो लीमर्स हुए लॉरिसस हुए टारसर्स हुए के, प्रोसीमियंस के हम कहते हैं मनुष्य के पहले वाले के तो प्रोसीमियंस जो है वो हमारे रिलेटिव है प्रीमिटिव एंसेस्टर है के तो लॉरिसस हुए लीमर्स हुए टार्स हुए इसके बाद हम आते हैं मंकीज पर एप्स पर और ह्यूमन विंग्स की बात करते हैं हम के तो जो मंकीज हैं मंकीज की भी दो कैटेगरी होती है ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और न्यू वर्ल्ड मंकीज इस पर भी हम बात करेंगे हम के फिर हम बात करते हैं ऐप की बात करते हैं चिंपैंजी हुए ओरंगउटान हुए गिब्बंस हुए के ये ऐप होते हैं

बिल्ला बने एंड चिंपांजी यहां चिंपांजी बने वहां से हमने क्या देखा हमने कहा विकास दो जो है वो ह्यूमंस की तरफ ही बढ़ गया मतलब हमारे सबसे निकट संबंधी हमारे सबसे निकट संबंधी क्या है वो है चिंपांजी के चिंपैंजी हमारे सबसे निकट संबंधी होते हैं ठीक है ठीके? और सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी कहानी मैं आपको बतलाऊंगा जो भी स्टोरी मैं आपको यहां बतलाऊंगा ये सारी स्टोरी जो है ऐसा नहीं है कि कपोल कल्पनाएं हैं जिनको किसी ने सोच लिख बता दिया कि भैया लिख दिया कि ऐसा हुआ होगा जैसे हम देखते हैं ना कई सारे पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के पास में ऐसे लोग हुआ करते थे जो उनकी गाथा कथाओं को लिखा करते थे महानताओं को लिखा करते थे कि भैया पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा किया तो मोहम्मद गोरी ने ऐसा किया ठीक है इसने ऐसा किया कई मतलब ऐसे लोग हुआ करते थे दरबार में अकबर के लिख के लिख के बारे में में उनके अच्छे किस्सों के बारे में लिखने वाले लोग हुआ करते थे तो विज्ञान ये सब नहीं मानता साइंस बोलता भैया एविडेंस चाहिए। तुम्हारी कहानी पर हमको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है वी वॉट वी वॉन्ट वी वॉन्ट एविडेंस एविडेंस एंड

जहां ओल्ड वर्ल्ड मंकी थे वहां से क्या बना बेटा ओल्ड वर्ल्ड मंकी से कहानी शुरू होती है ने? जो, जो आज आपको बंदर दिखाई पड़ता ना इनकी ब्रांच पहले निकल चुकी थी कई लोगों ने आप में से किसी लोगों ने कहा सर आज के जो बंदर है आगे चल के मनुष्य बन जाएंगे क्या वो अरे ऐसे कैसे बन जाएंगे भाई ब्रांचेज से वो अलग निकल गए वोट के यानी उनका जैव विकास उस दिशा बंदर की दिशा में ही हुआ वोट के वो बंदर में ही इवॉल्व कर रहे हो

पिगमी जी बोलते हैं इनको हमके देन होमोसेपेंस बने तो जहां पर क्वेश्चन मार्क लिखा है वहां पर कहानी थोड़ी उलझ जाती है क्योंकि यहां पे हमें कई सारे वरियंट्स देखने मिलते हैं लेकिन इसके पहले की कहानी हमें स्मूथली मालूम चल जाती है ठीक है देखिए

ठीक है अब देखिए हम देख अब पहले यानी जो जो हमारे पूर्वज थे जो बंदर थे कपी थे जो एप थे वो बेसिकली क्या थे वो थे अर्बोरियल ियल थे पेड़ों पर रहने वाले पेड़ों पर लटकने वाले इटके और ये इनके हाथ जो है वो बड़े स्ट्रांग हुआ करते थे और ये पेड़ों पर लटक कर चला करते थे तके. इनमें बाईपेडल लोकोमोशन जो है वो डेवलप नहीं हुआ था ये दो पेड़ों पर कुछ समय खड़े हो पाते थे लेकिन लंबा लेने लंबा इनके पास दो पेड़ों पर खड़ा होना इनकी च्वाइस था हम बोलते हैं फैकल्टेटिव मतलब विकल्प के तौर पर वो खड़े हो जाया करते थे लेकिन वो चलते थे चार पैरों से ही उठ के उनको वही चलना समझ में आता था हमारे साथ ऐसा है कि हम ऐसा नहीं है हम जो है वो दो पैरों पर चलना हमारा ऑब्लिगेट हम हम जैसे ही बच्च, बच्चा बड़ा होता है दो पैरों पर चलना शुरू करता है तो ह्यूमंस का बाइपेडल लोकोमोशन मनुष्य का दो पैरों पर चलना जो है वो ऑब्लिगेटरी है जबकि एप का क्या था वो फैकल्टेटिव था विकल्प के तौर पर था तो हमारा जो विकास विका, और आपको बता दू मैं के ये दो पैरों पर चलने के, के पीछे भी एक कहानी है कि हमारा जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है, जो हमारा जो वर्टिवल कॉलम है उसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यहां पर देखिए देखिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम में बड़ा रिसर्च हुआ बर्मिंगम यूनिवर्सिटी लंडन के अंदर है और वन ऑफ बेस्ट देशनिवर्सिटी में से एक है दुनिया के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है बर्मिंगम यूनिवर्सिटी वहां का फिजिक्स का डिपार्टमेंट भी बड़ा स्ट्रॉग है कि मेरे एक परिचित हैं उनका बेटा बर्मिंगा यूनिवर्सिटी इनु, में पढ़ रहा है तो मुझे काफी जानकारी उसके बारे में तो बर्मिंगा यूनिवर्सिटी में जो है वो ह्यूमन इवोल्यूशन और ह्यूमन और एप के बीच में कनेक्शन के ऊपर काफी स्टडी किया उन लोगों ने उन्होंने कहा कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे यदि आप देखें यहाँ पे तो हम ऐप को देखें, देखें यहाँ पे चिंपैन जी की, की बात करें हम जो का है हमारी बॉडी का जो फ्रेम है वो इस प्रकार से है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक देखिए जो रेडर हो वो ठीक मिडिल में होता है वो वेरी नहीं करता वेरी नहीं करता इसलिए हम गिरते नहीं है क्या होता है कोई चीज को आपने देखा इटली के अंदर पीसा की टिल्टेड मीनार है पीसा की झुकी हुई मीनार बोलते हैं वो अभी झुकी हुई है गिरी नहीं वो, क्योंकि उसके लिए स, जो है बड़ी टीम ने जो है बड़ा टेक्निकल सपोर्ट दिया ताकि वो गिर ना जाए थोड़ा और झुकेगी तो गिर सकती है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्रॉस करेगी वो झट से नीचे गिर जाएगी तो देखिए आप जो रेड एरो जब जो रेड एरो एंगल से अधिक डेविएट करेगा तो जीव दो पैरों पर खड़ा नहीं रह पाएगा वो गिर जाएगा के आप देखिए इसमें इसमें आप देख रहे हैं कि जो एरो है वो किस प्रकार से टिल्ट हो रहा है इसमें भी एरो टिल्ट हो रहा है लेकिन ह्यूमंस में देखिए आप बिल्कुल सही फ्रेम में एकदम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक बीच से गुजर रहा है और इसके चलते क्या होता है कि इनका है, हमारा देखिए हमारा जो, जो हैड है ये प्रमि देखिए ये देखिए हमारे हेड का तो हमारा पूरा बॉडी का वेट है ना यहां पर ऐसा है यहां पे थोड़ा उभरा मतलब हमारा बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हम दो पैरों पे खड़े रह सकते हैं लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं बगैर एफर्ट की क्योंकि हमें ग्रेविटी नीचे की ओर पुल नहीं कर पाती पुल करती है तभी जमीन पे खड़े मतलब यह है कि हमें गिराने की कोशिश ग्रेविटी नहीं करती है यानी गुरुताक्षण यदि हम सीधे खड़े हैं तो हमें नीचे गिराने की कोशिश नहीं करता क्योंकि हमारी बॉडी ग्रेविटी के एंगल के अकॉर्डिंग बैलेंस में है लेकिन चिंपैन में ऐप में क्या होता है कि वो जब खड़े रहते हैं तो उनका बॉडी नीचे वो थक जाते हैं फिर उनका बॉडी नीचे जाता है फिर वो नीचे गिर जाते हैं ठीक है क्लियर देखिए आप ना बोन्स का देखें तो हम देख रहे हैं कि हमारी हमारी ह्यूमरस हु, हु, को हमने कंपेयर किया फीमर को हमने कंपेयर किया तो जो बोन्स का बोनी स्ट्रक्चर है मिलता जुलता है लेकिन तब भी फ्रेमवर्क में अंतर है कि हमारे हाथ जो है वो ऐसे चिंपैन के हाथ अधिक लंबे हमारे हाथ उतने अधिक लंबे नहीं होते हैं तो ये सब इवोल्यूशन धीरे धीरे क्रिमिक जैव विकास से ही, सब कुछ हुआ है तो फिर हम बात करते हैं हमारे ब्रेन की बात करें यदि हम चिंपैन से हमारे ब्रेन को कंपेयर करें तो हमारे ब्रेन में यदि आप देखेंगे तो हमारे ब्रेन में जो है वो एक मैग्नम है जो बीचों बीच में है और देखिए ये ये जो है ह्यूमन का ये ह्यूमन का है ठीक है ना और ये चिंपैन का है ठीक है तो क्या देख रहे हैं आप आप देख रहे हैं फोरामैंड मैग्नम का मतलब होता है छेद मैग्नम मतलब सबसे बड़ा छेद बॉडी में, में स्कल में होता है वहीं से पोजिशन तो देखिए इसकी, इसकी, इसकी। चिंपैंजी में देखिए और ठीक बीच में आया हुआ है बैलेंसिंग करने के लिए आप टीथ का शेप देखिए आप पूरा स्कल देखिए एकदम बैलेंस रखोगे तो ये पलटेगा गिरेगा नहीं सीधा रहेगा ये जबकि ऐप में क्या है वो पीछे तरफ है ये देखो ये यहाँ ये देखो प्रेजेंटेड के ओपनिंग है तो ये आगे तब तो देखिए चिंपैंजी ऑस्ट्रिलोपेथेकस होमो इरेक्टस और स्कल को ध्यान से देखिए स्कल का हम निचला हिस्सा देख रहे हैं स्कल का हम निचला हिस्सा देख रहे हैं देखो बेटा मैं चाहूं यदि मैं चाहूं तो सिंपल सा एनसीआरटी में लिखी चार लाइनें सिखा दूंगा आपको एक पैराग्राफ में आपका ह्यूमन इवोल्यूशन पूरा हो जाएगा लेकिन व्हाट आई वांट आई वांट की यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हु आर वी हम क्या हैं कैसे इवॉल्व किए और हमको ये कहानी मैंने कहा ना कि इवोल्यूशन इज ए स्टोरी और स्टोरी में कुछ चीजें एक्स्ट्रा जाननी पड़ती है ठीक है ना समझने के लिए और मैंने कहा ना आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा एवरी लेक्चर के इज लाइक ए स्टोरी और उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे कई सारे एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे तो देखिए यहां पे आप गौर से देखिए ध्यान से क्या देख रहे हैं आप चिंपैंजी का का स्कल का निचला हिस्सा देख रहे हैं आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस का देख रहे हैं होमो इरेक्टस का देख रहे हैं देख रहे हैं ना सबसे अधिक सही शेप एकदम सर्कुलर शेप का बीचो बीच फोरामैन मैग्नम कहां दिखाई पड़ रहा है आपको बताइए होमो सेपियंस में दिखाई पड़ रहा है मतलब बॉडी बैलेंसिंग के लिए कई सारे कैरेक्टर इवॉल्व किए बॉडी के अंदर ठीक है ना ब्रेन की बात करें तो हमारा जो ब्रेन जो है हमारा ब्रेन अधिक इवॉल्व है एज कंपेयर टू जो जो ऐप है ना सुनना समझना और उसको एक्सप्रेस करना ज्यादा बेहतर हम कर पाते हैं हम चीजों को सोचकर निर्णय ले पाते हैं क्योंकि हमारे पास में जो है रीजनिंग और सेंटर है वो है हमारे पास में सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारा अधिक इवॉल्व है हम आर्टिस्टिक एक्टिविटी कर पाते हैं हम पेंटिंग्स कर पाते हैं हम जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं हम चीजों को क्रिएट कर पाते हैं हम चीजों को इन्वेंट कर पाते हैं भाई चिंपैन ने कुछ खोजा हो टाइगर ने कुछ खोजा हो ऐसा तो सुनते ही नहीं हम कभी इंसान ने खोजा ये समझ में बात आती है क्योंकि हमारे पास में सोचने समझने का सेंटर प्रेजेंट है तो तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के दौरान हमारी बॉडी में कंप्यूटर फिट हो गया वो था सरिवल कॉटेक्सट के जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर है क्योंकि आज के जो सुपर कंप्यूटर है उसको भी आदमी ने बनाया सुपर कंप्यूटर ने आदमी को नहीं बनाया हमने ही सब कुछ बनाया हुआ है ठीक है ना देखिए टॉर्सर है अब टॉर्सर का जो क्रेनल कैपेसिटी है वो 3 सीसी अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर सीसी का मतलब क्या क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी का क्यूबिक सेंटीमीटर यानी ब्रेन में कितना कितना बड़ा ब्रेन का हिस्सा वो वॉल्यूम इट रिप्रेजेंट एक्चुअली वॉल्यूम इनसाइड द स्कल के ये स्कल के अंदर के

बड़ी इंटरेस्ट एंड सबसे अब ये 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 जो है वो ऑप्शन में है बेटा पूछा गया एग्जा, एग्जाम में के ब्रेन लार्जर देन अदर एनिमल इन रिलेशन टू तो बॉडी सर के देखिए याद ह्यूमंस में के यदि हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में बॉडी साइज की तुलना में जो ब्रेन है उसका आकार बड़ा है के बाकी सभी एनिमल में चाहे आप एलिफेंट की बात कर ले किसी की बात कर ले उनके बॉडी वेट उनके बॉडी साइज की तुलना में ब्रेन बहुत छोटा है पर आदमी का ब्रेन उसकी बॉडी साइज की तुलना में बड़ा है और ब्रेन बड़ा होने के कारण ही आदमी सबसे इंटेलिजेंट आप देखिए यहां पर ग्राफ बना हुआ है कि हम देख रहे हैं यहां पर

डॉग बड़ा कुत्ता बड़ा समझदार होता है कुत्ते को आप पाल से बोलते हैं टॉमी गो गो टॉमी टॉमी हो जाते हैं बॉल लेके आओ टॉमी बॉल लेके आते हैं टॉमी कूद जाओ कूद जाते हैं टॉमी काट लो तो काट भी लेते हैं टॉमी मतलब डॉग समझता है इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है वन मंकी और समझदार है छोटा बच्चा देखा चिप्स का पैकेट छुड़ा के भाग गया उसको उठ के देखिए वैल्यू अधिक है ठीक है लेकिन आप देखो जो इतना बड़ा गेंडा पॉइंट साइज बड़ा सब बड़ा लेकिन ब्रेन ब्रेन नहीं है उसका जो है जो है उसका उसका मतलब जो जो इंटेलिजेंस संबंध इस बात से भी है कि बॉडी बॉडी वेट की तुलना में ब्रेन जो है वो किस साइज का रहा है तो सबसे अधिक जो है हम कहते हैं ब्रेन लार्जर देन अदर एनिमल इन रिलेशन टू बॉडी साइज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा और ये यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम ने पता लगाया इसका ठीक है देखिए अब पूरा का पूरा उन्होंने चार्ट तैयार किया उन्होंने चार्ट तैयार तैयार किया और ये बताया उन्होंने कि भाई कि ह्यूमंस जो है वो क्यों सुपीरियर है क्योंकि अभी सबसे पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा कि हम इतने सुपीरियर क्यों हैं इतने अच्छे क्यों हैं इतने बेहतर क्यों हैं ठीक है आप इंसान है तो बेहतर है इंसान है तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं दूसरा हासिल कर सकता है इंसान है तो आपको अपने ऊपर यकीन करना होगा इंसान कभी आपको होता दूमट के जब कभी जो है ना इंसान है इसलिए हम डिप्रेस आते हैं कई बार मैं देखता हूँ कई बार लोग सुसाइड के थॉट्स देखते हैं सुसाइडल टे, टेंडेंसी होती है लोगों को के कभी सुना आपने कि, कि एक टाइग एक जो है वो घोड़ा था घोड़े को समझ में बात आई कि यार बहुत हो गया जीवन में ये देखो दिन भर मेरे को घोड़ा गाड़ी में बांध के घुमाता रहता है समझ नहीं आ रहा तो घोड़े ने एकदम सुसाइड कर लिया अपने आपको टांगा और खत्म सुना नहीं सुना डॉग ने कहा यार देखो क्या मतलब का है मेरा मालिक मुझे पूरे काट, काट मैं? मैं तो सुना, नहीं सुना पर इंसान का सुनते हैं कि मुझे बुरा लग गया है मुझे अच्छा लग गया है मैं अच्छा हूं मैं बुरा हूं मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं यही तो ताकत है हमारी और यदि उस ताकत का इस्तेमाल आदमी अपनी खुद की जान लेने में कर रहा है तो उससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है कि वो ताकत तो बड़ी गिफ्टेड है आपका जो ब्रेन है आपका जो मस्तिष्क है वो ईश्वर ने उसको बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर लगा दिए, ऑफ ईयर में बने हैं आपके आप एक अद्भुत कोट, उच्च कोटि की आप समझना है यू आर क्रिएशन इन दिस वर्ल्ड इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सबसे बेस्ट जो क्रिएट किया गया है सबसे इंटेलिजेंट सबसे होशियार समझदार सुंदर प्रकृति के आप यह मत देखो कि सर मेरा मैं ऐसा दिखता हूं मैं वैसा दिखता हूं मैं ऐसी दिखती हूं मैं बहुत सुंदर हूं मैं ऐसी हूं मैं मैं अच्छी दिखता मैं अच्छा मेरा, मैं तो नहीं दिखता तो है, है बाकी एनिमल से कंपेयर कीजिए कितने सुपीरियर हैं आप है। लाइफ जीवन का एक उद्देश्य आपके पास है बाकी जानवरों के पास नहीं है इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहिए और हासिल किए मत लीजिए उसको ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं तो अभी देखिए कि फिर अब रिपोर्ट सामने आया कि भैया पता लगाओ कि क्या क्या ऊंचाई पर ब्रेन स्मॉल के मतलब दो पैरों पर चलना अनिवार्य है इनके लिए ताकि इनके हाथ हमेशा फ्री रहे होमोसेपियंस नियंडरथल ठीक है हिडल वर्ग होमो हिडल वर्ग क्या होमो इरेक्टस ठीक है होमो, होमो इर्गेस्टर मतलब ये सब जहां यहां पे ग्रीन बना मतलब ये ये क्या है ये है सबके सबके स्मॉल ब्रेन ला, लार्ज ब्रेन स्मॉल टीथ ऑब्लिगेट बाइपेड के फिर क्या कहा हमने कहा कि जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं ये जो, जो हमें जो जो डार्क ग्रीन में दिखाई पड़ रहे हैं कि ये क्या है ये है अपना स्मॉल ब्रेन वेरी लार्ज टीथ फैकल्टेटिव ये कुछ ऐसे ऐसे जो है वो ऐसे पूर्वज हैं हमारे जिनके छोटा ब्रेन था बड़े दांत थे कभी कभी दो पैरों पे चल लिया करते थे वोट के फिर हम जब ऐप की बात करते ऑस्ट्लोपेथिकस की बात करें हमारे पूर्वज की बात करें हम ऑस्टलोपेस की जो एप मैन था कभी मानव था उसकी बात करें तो हमने क्या कहा हमने देखा कि स्मॉल ब्रेन लार्ज टीथ फैकल्टेटिव बाइप्रेन मतलब ये है कि दांत बड़े ब्रेन छोटा ठीक है में क्या है दांत छोटे ब्रेन बड़ा और दो पेरो पर चलने वाले ये सब जो फाइंडिंग्स है ना ये फाइंडिंग कोई ऐसा नहीं कि रैंडम है ये फाइंडिंग इस बात का प्रमाण है कि भाई हमारी बॉडी में क्या परिवर्तन हुए इन ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन जिन्होंने हमें इतना सक्षम बनाया ठीक है अब क्वेश्चन उठता है बार बार एक वर्ड आएगा बेटा होमिनिड करके वर्ड आएगा कई सारे एमसीक्यू में होमिनिड वर्ड का वो इस्तेमाल करते हैं तो होमिनिड का मतलब क्या होता है ये हमें मालूम होना चाहिए देखिए मॉडर्न ह्यूमंस एंड आवर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंसेस्टर आफ्टर आवर अवर स्प्लिट फ्रॉम दी फ्रॉम द मॉडर्न ह्यूमन हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंसेस्टर जो हमारे ठीक पूर्वज हैं वे चिंपेजी से ही उनकी ब्रांचिंग अलग हुई है के? के बाद एक तो आज के मॉडर्न डे चिंपन बन गए और एक फिर हमारे एपमैन तब चले गए और जो एपमैन थे वो थे सबसे पहले एपमैन ऑस्ट्रेलोपिथेकस ठीक है ना टली अर्लिएस्ट होमिनेट वेटेड बिटवीन थ्री पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट इन दी जीनस ऑस्टलोपेस्ट के देखो बेटा जो भी यहां पर ईयर से आपको बता रहा हूं ना तो आपको बेसिकली आपको जो ईयर दिमाग में रखने हैं वो रखने हैं आपको जो बता रहा हूं मैं ये बिल्कुल सही है परफेक्ट है एकदम इसमें कोई भी गलती नहीं है लेकिन हमको डेटा डेटा हमेशा हमेशा हमको जो डेटा याद रखना है वो NCRT का याद रखना है हमको, ना? क्योंकि एग्जाम में 99 से के डेट मिलता है हमको और उसको जीनस हमने मतलब चिंपैंजी से जब विकास हुआ तो एक तो चिंपैंजी की तरफ बढ़ गया और एक कहां चला गया वो हमारे ठीक पूर्वज जो है वो होम तब वो आ गया ठीक है इन लास्ट फ्यूर्स

five to seven millionaires were thought to be hominid that predict Australopithecus साइंटिस्ट कहते हैं कि के पहले भी एक ऐसा, आ, जो ऑस्टलोपिथिक है, जो, जो है, है लेकिन अभी भी उसके बारे में बहुत हमारे पास में, नहीं मैंने कहा ना, ये सब जानकारी जो है वो फॉसिलस के आधार पर तो मतलब अफ्रीका इज द होमलैंड का उत्पत्ति केंद्र जो है वो,

ठीक है दे नाउ स्पान दियोसिन टू अर्ली प्लस टूसीन फ्रॉम अबाउट सिक्स पॉइंट सेवन मिलियन ईयर एगो टू अबाउट सिक्स मिलियन एगो ऐसा कहा जाता है कि आज हमारे पास जो अफ्रीका के अंदर हमको जो, जो फॉसिल एविडेंस मिलते, है, मिलते, है, मिलते, है, मतलब मिलते हैं होमिनिट के मिलते हैं वो मियोसिन से लेके अर्ली प्लसोसिन टाइम पीरियड के मिलते हैं मतलब सिक्स पॉइंट सेवन मिलियन ईयर से लेके वन पॉइंट सिक्स मिलियन ईयर तक के मिलते हैं और ये जो साइट है वो साइट है इथोपिया इथोपिया में हमको जो है वो मिडिल एवास वैली में और हैडर में हमको ऑस्ट्रोप्रथक अफ्रीस देखने मिला के अब आप बोलोगे सर ये सब कुछ तो एनसीईआरटी में नहीं है बिल्कुल बेटा एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये सबका सब जो है जो बता रहा हूं ये सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है तो आप यदि पिछले साल के देखेंगे तो वहां पर आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे तो मेरे विचार में एक बार पढ़ लेना दिमाग में डाल लेना बुरा नहीं है क्योंकि क्योंकि यदि मैंने कहा ना आपसे कि थोड़ा भी यदि पेपर ऊपर नीचे होता है ना तो फिर प्रॉब्लम में आ सकते हैं इसलिए हमको उस प्रॉब्लम से बचने का प्रबंध करना है ताकि जो मैं कहता ना बहुत बड़ा डिटेल में नहीं जाना पा लेकिन पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो आया हुआ है ना वो हमें कवर होना चाहिए निया में लेक तरकाना के आसपास हमको फॉसिल देखने मिलते हैं तंजानिया में ओल्डु, जो ओल्डु के आसपास हमको जो है वो फॉसिल देखने मिलते हैं साउथ अफ्रीका में हमको जो है वो कई फॉसिल हमको जो है वो देखने मिलते हैं जो लाइम स्टोन केवन कुछ ऐसी गुफाएं हैं कुछ इस तरह की जो चट्टान है वहां पर हमको वो देखने मिलते हैं ठीक है क्लियर ए स्कल फाउंड इन अफ्रीकन नेशन ऑफ चार्ट के, के चार्ट में एक स्कल मिला ये बात है 2002 की के 2002 में इसको नाम दिया गया सहल एंड सहल एंथ्रोपस कैडेंसिस के टी साइलेंट है के सहल एंथ्रोपस कैडेंसिस इसको जो है वो निक दिया गया टॉमाई के टॉमाई ये एक सबसे लेटेस्ट फॉसिलेट के होप ऑफ लाइफ कहते हैं इसका नाम का मतलब इसका होप ऑफ लाइफ के ठीक है इसको इसने जो है वो ह्यूमंस की वो कहानी को इसने और थोड़ा पीछे के चला गया गया है, 7 मतलब हम खोज रहे हैं और उसको हम ऑन कर रहे हैं ठीक तो वो कहता है कि ये जो फॉसिल मिला ये बताता है कि भाई मनुष्य का जो विकास है जो ह्यूम का इवोल्यूशन है उसकी जो कहानी ओरिजिन ऑफ ह्यूमन है ये सेवन मिलियन ईयर एगो शुरू हुआ होगा क्योंकि इसके पहले साइंटिस्ट मानते थे कि फोर

उस समय की इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए सर्वाइवल के लिए जो बेहतर होता है वो चुन लिया जाता है ठीक है तो कहते हैं कि हमारा भी जो इवोल्यूशन है उसका कोई निश्चित दिशा नहीं था अनसर्टेन पाथ को फॉलो करते हुए हम यहां तक पहुंचे एज न्यू स्पीसीज इवॉल्व देखिए हम एक प्रजाति के रूप में इवॉल्व किए दे फील्ड इकोलॉजिकल निकेश के एक नई प्रजाति जब विकसित होती है तो वो क्या करती है वो अपने रहने के लिए खाने के लिए अपने रिसोर्सेज को तलाशती है और पूरे के पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में अपनी जगह ढूंढ लेती है कि मुझे कहां पर इंटरेक्ट करना है किस तरह का मुझे फूड लेना है किस प्रकार मुझे अपनी जान को बचाना हटके और आइदर गैव राइस टू डिसेंडेंट के और इसके बाद क्या करती है वो वो अपने संतानों को उत्पन्न करती है बेटर एडॉप्टेड टू द चेंजिंग एनवायरमेंट चेंजिंग एनवायरमेंट में अपने आप आपको अडॉप्ट करती है या फिर वो एक्सट्रीम के देखिए सिंपल सी बात है कोई भी प्रजाति जो डेवलप होगी वो क्या करती है वो अपने इकोलॉजिकल निके में इकोलॉजिकल निक, निके वर्ल्ड का मतलब होता है द रेंज ऑफ कंडीशन जहां पर एक एनिमल इंटरेक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट से वहां उसको फूड मिलता है रहने को जगह मिलती है वो उसका इकोलॉजिकल निके होता है तो कोई भी प्रजाति बनेगी अपना इकोलॉजिकल निके ढूंढेगी वो ढूंढने के बाद वहां पर सर्वाइव करने की कोशिश करेगी वो अपने जीवन के लिए स्ट्रगल करेगी वो या तो वो बचेगी जिंदा बचेगी अपनी फिटनेस का लेवल बढ़ाएगी और और संतानों को उत्पन्न करेगी या एक्सटिंक्ट कर जाएगी वो के। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहां पर यहां पर जो है मनुष्य का उदय हुआ और संघर्ष किया था ठीक कि है फिर गुफाओं में रहना शुरू किया उसने शुरुआती मनुष्य जो था उसने टाइगर से बहुत डरा करता था टाइगर दिख गया तो जिसे बंदर बंदर भाग जाता जंगल में आज के टाइगर ने एक आवाज लगाई बंदर भाग जाते ऐसी आदमी भाग जाया करता था उसके छोटे बच्चों को टाइगर पकड़ लिया करता था यदि जमीन पर उतरता था ना तो पकड़ लिया करता था यू इन बिटवीन लेक्ट इट्स इंपोर्टेंट टू इन यू यू शुड टैन वाउट फ्रॉम यू हो स्टोर

लेकिन ग्रुप में कुछ भी हो लेकिन तब भी शिकारी एनिमल पकड़ से आज हिरण के झुंड में से शेर एक हिरण को पकड़ लेता है इंसान को भी पकड़ा आदमी ने संघर्ष किया उसने पै, उसने जो है वो उसने उसने हाथ से पत्थर उठा के फेंकना शुरू किया उसने अपने हाथों का उसे समझ में आया कि ये पत्थर यदि जो है मैंने बड़ा उठा के फेंका टाइगर की ओर तो टाइगर से मैं कुछ समय के लिए बच सकता हूं हालांकि टू मुकाबला मैं नहीं कर पाऊंगा लेकिन ये पत्थर मेरे, मेरे जो है वो यदि हम सब ने पूरे झुंड ने मिलकर पत्थर टाइगर को मारा तो टाइगर जो है वो भाग सकता है यहां से उसने पहली बार मुकाबले की हिम्मत आई उसने क्या किया उसने जो है अपने ही कबीले में उसने लड़ना सीखा वॉर वॉर इज दोस्टिव इन्वेंशन इंसान का सबसे प्राचीनतम खोज में से एक है युद्ध करना उसने देखा कि एक कबीला या झुंड जो होता था पूरा पूरे झुंड झुंड में, में में मेल और फीमेल दोनों प्रकार के मनुष्य हुआ उसमें जो, जो ताकतवर मेल था वो सारी फीमेल पे कब्जा किया करता था वो बाकी मेल जो है वो उनको मारता था भगा दिया करता था ग्रुप से वो तो बाकी के जो मेल जिनको भगा दिया करता था उन मेल ने जो है वो अपना ग्रुप बनाया और उन्होंने पत्थर या लकड़ियां पकड़ी उन्होंने और अपने हाथों का इस्तेमाल किया उस ताकतवर मेल को मारने के लिए फर्स्ट टाइम कोऑर्डिनेशन के साथ में वॉर लड़ना सीखा गया कि भैया मिलकर यदि वॉर करें मारेंगे तो ये ताकतवर को भी मार पाएंगे ऐसे आदमी और ये सच्ची कहानी है और इसके लिए मैंने कई किताबें पढ़ी हुई है मैंने मैंने जो है वो ह्यूमन इवोल्यूशन में मतलब मेरा खुद का बड़ा निजी इंटरेस्ट है मेरा तो मैंने कई चीज़ें पढ़ी हुई तो मैंने देखा कि वाकई में हमारी साइकोलॉजी भी इवॉल्व हुई है हमने कई कई चीजों को सुविधा सोचा हमने ढूंढा हमने पहले आदमी सॉफ्ट फल खाया करता था फिर उसको समझ में पाते यार ये तो तो सॉफ्ट फल संख्या में काम है जो नट होते हैं नट को नट लेकिन नट कैसे फोड़े अपने हाथ से वो तो पत्थर का उसने पत्थर के ऊपर नट को रखा फिर पत्थर से मारा उसने तो नट फूट गया वो तो निकाल के खा लिया उसको उसने ऐसे उसने धीमे धीरे पत्थर होते पाषाण युग जो है ना जहां पत्थरों के हथियार बनाए गए थे वो ऐसे ही शुरू हुआ वो सब ठीक है

हमारी एक ही स्पीसीज है और एक ही जीनस से आज सर्वाइव जो जीवित है इसलिए भी हुआ है कि हमने संघर्ष किया है हमने संघर्ष किया दूसरी प्रजातियों को खत्म भी किया हमने ठीक है अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट आर प्राइमेट्स प्राइमेट्स क्या होते हैं मैंने कहा आपसे कि प्राइमेट्स जिनमें है प्राइमेट्स मेमल्स का एक एडवांस ग्रुप होते हैं जिनमें मैस्ट्रो साइकिल हमको देखने मिलती है ज एन ऑर्डर दे लेक देशन फाउंड इन मोस्ट अदर मेमुलर्डर के दूसरे जो मेमुलियन ऑर्डर होते हैं उनकी तुलना में प्राइमेट में कुछ थोड़े से कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं अब जैसे देखिए कई सारे वैसे डॉग की बात करें डॉग की सूंगने की क्षमता काफी अधिक होती है डॉग बिल्कुल मामूली साउंड को भी सुन सकते हैं एक छोटी सी आहट जिसको आप नहीं सुन पाएंगे ना उसको डॉग सुन सकता है वो स्मैल कर सकता है जो आप नहीं कर सकते इतने स्ट्रॉन्ग तो कई सारे मेमल में, में कई सारे कैरे थे बिल्कुल ऐसा मान लीजिए आप एवरेज कैपेबिलिटी है प्राइमेट्स के अंदर एवर, हर चीज की एवरेज कैपेबिलिटी है टाइगर जैसा है टाइगर जितना स्ट्रॉन्ग कार वैसा प्राइमेट्स में कोई भी नहीं है वी कैन है प्राइमेट इज एनी प्राइमेट्स The 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 group that contain all species commonly related to the lemurs, monkeys and apes, with the latter category including humans. Primates are found all over the world. आज हम प्राइमेट की बात करें तो प्राइमेट में हम क्या करते हैं उन सभी जीवों को शामिल करते हैं जिसमें लीमर आते हैं मंकीज आते हैं, आते हैं और एप के अंदर ही हम humans को भी शामिल करते हैं आज प्राइमेट पूरी दुनिया के अंदर हमको देखने मिलते हैं ठीक है देखिए अब

जो सीजनल ब्रीडर थे वो एक सीजन में इतना रिप्रोड्यूस कर लेते थे, थे कि वो कुछ भी कुछ भी खतरा हो तब भी बच जाया करते थे वो पर प्राइमेट्स अधिक खतरे के लिए अधिक सेंसिटिव थे वो सोचिए कमजोर थे प्राइमेट्स तो कंटस ब्रीडर बनाया गया उनको फाइनली आप देखिए रूल वही कर रहे हैं प्राइमेट्स को दो ग्रुप में बांटा हमने एक होता है प्रोसीमियंस दूसरा होता है एंथ्रोपॉइट्स के सुन लीजिए बेटा के आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है मैंने कहा ना रटने की जरूरत नहीं क्योंकि आप जब एमसीक्यू बुक सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे ना तो आपसे कई क्वेश्चन नहीं बनेंगे जब नहीं बनेंगे तो आप बोलोगे सर आपने पढ़ाया तब भी नहीं बनाए तो मैं चाहता नहीं उठ के और ऐसे ही मैंने आपसे कहा ना कि मैंने एन टी ए के लास्ट ईयर मैंने मॉक टेस्ट देखे तो मेरे को समझ में बात आई कि भैया ये लोग अपने मॉक टेस्ट में बहुत सारा जिन्होंने जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है तो हमको थोड़ा अलर्ट रहना है मैंने कहा ना आपको अलर्ट रहने की जरूरत है आपको कि वो एनटीए जो है वो पेपर किस तरह का देगा अगले साल 2021 में हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि हमको इतना पता होना चाहिए कि हमको अपनी तैयारी ऐसी रखनी है कि कोई भी वेरिएशन आएगा तो भी हम फोड़ के आएंगे एग्जाम ठीक तो है तो प्रोसीमियन, प्रोसीमियन की भी दो कैटेगरी होती है एक होते, है लीमर्स होते हैं ले, फॉर्मिस होते हैं इसमें लीमर आते हैं लॉरिश आते हैं इसके अंदर दूसरे होते हैं टारसी फॉर्मिस होते हैं जिसमें टारसर्स आते हैं ठीक है

कैटेलाइंस ओल्ड वर्ल्ड मंकी है। ओल्ड वर्ल्ड मंकी जो है होते हैं बेटा उसमें क्या है एक तो उसमें ओल्ड वर्ल्ड मंकी बने जो आगे जाके ओल्ड वर्ल्ड मंकी में इवॉल्व हुए वो दूसरे बने होमिनॉइड्स बने जिसमें होमिनॉइड्स के अंदर एप और मैन दोनों के होमिनॉइड्स के अंदर कपी और मनुष्य दोनों आते हैं याद के दिस ग्रुप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के होमिनॉइड्स इसके अंदर एप और मैन दोनों आते हैं इसके अंदर के दिस इज इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट याद रखना बेटा इसको ठीक है ना दिमाग में रखिएगा हालांकि एनसीआरटी में नहीं है ये देखिए क्लेडोग्राम के जब हम जो है फाइलोजनी के आधार पे हम जो एक, एक हम जो है वो एक हम जो है वो आ, ब्रांचिंग ट्री को तैयार करते हैं उसे हम क्लेडोग्राम कहते हैं तो क्लेडोग्राम देखिए सबसे पहले लीमर बने उनसे लॉरिसस का विकास हो लॉरिसस बने देन टार्चर बने फिर न्यू वर्ल्ड मंकी बने फिर ओल्ड वर्ल्ड मंकी बने फिर एप बने फिर ह्यूमंस बने, फिर बने। के ये बता रहा है कि टाइम स्केल पर जो है अकॉर्डिंग कि किसके बाद किसका जेब विकास हुआ है उस फाइलोजनी को ये शो कर रहा है दिस इज अ क्लेडोग्राम ऑफ द प्राइमेट्स इंपॉर्टेंट है इससे आप भूलेंगे नहीं आप इसको बेटा स्क्रीनशॉट शॉट लेना कॉपी में बना लेना इससे आप भूलेंगे नहीं कि किसके बाद कौन बना के लिमर्स लॉरिसेस टॉर्सियर न्यू वर्ल्ड मंकी ओल्ड वर्ल्ड मंकी एप्स एंड देन ह्यूमंस ठीक है देखिए ये वही क्लेडोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस दिस आल्सो रिप्रेजेंट द क्लेडोग्राम ये भी क्लेडोग्राम को ही जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है ना पहले वाला ज्यादा आसान था देखने में याद करने में ठीक है ना बेटा चलिए देखिए में क्या आया ल, लीमर, के. जो सीमियंस होते हैं, के समान दिखाई पड़ते हैं उनमें न्यू वर्ल्ड बेटा न्यू वर्ल्ड मंकी जितने भी मंकी स्पाइडर मंकी हुआ जितने आज बंदर दिखते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी ओल्ड वर्ल्ड मंकी में क्या है आपके मेलंगुरू हुए बेबून हुए मकाका रिसस हुए ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी में आते हैं जो होमडिया में क्या है एप और हैं

कि दे दीज इंक्लूड चेंजेस इन द स्केलेटल के इनमें स्केलेटल सिस्टम के अंदर बड़े परिवर्तन देखने मिले मोड ऑफ लोकोमोशन दो पैरों पर पे चलने वाले थे बाइपेडल लोकोमोशन था इनका ब्रेन साइज बड़ा ठीक है और इनके ज, ज, टीथ का साइज लगातार पहले से छोटा छोटा होता गया और मनुष्य में सबसे छोटा हो गया वोट के इनमें स्टीरियोस्कोपिक विजन यानी हमारी जो दोनों आंखें सामने आ गई और हम जो है वो थ्री विजन देख सकते हैं हमके हम डेप्थ का गहराई का या दूरी का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं हमारे हाथ जो है उसमें अपोजिट थम आया तो हमारी पकड़ मजबूत बनी है हमारी ठीक है ना सोचिए ये आज सुनने में बड़ी मामूली बातें लगती हैं रे दो पैरों पर चलना ब्रेन का बढ़ना दांतों का छोटा होना संख्या में कम होना स्टीरोस्कोपिक विजन का होना अटके दूर का देख पाना थ्री डी विजन देख पाना देखकर दूरी का नजर लगा पाना अटके ये सब चीजें और अपोजिट होना ये प्राइमेट के यूनिक करेक्टर थे जो इवॉल्व किए उनके अंदर ठीक है

के अंदर जो बाइपेडल लोकोमोशन था वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों दिया गया था, था, के? ये, कहते है ठीक जो वर्ट, जो है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करने में रोल प्ले करता है हमारा जो वर्ट्युअल कॉलम है, हमारी बॉडी को तनकर सीधा खड़ा रहने में हेल्प करता है और इसलिए हम बाइपेडल लोकोमोशन भी कर पाते हैं पर इसके बहुत फायदे हुए नंबर एक कैरिंग बिहेवियर के मतलब ये कि हमारे हाथ फ्री हो गए हाथ फ्री हो गए तो हम जो खाते थे जहां जैसे आप देखिए चिड़िया जाती चिड़िया खा दाना चुगती है वापस आती है हम जो खाते थे ना तो खाने के अलावा हम वहां से बटोर की भी लाते थे मतलब खाया तो खाया बटोर की भी ले आए नट को इकट्ठा कर लिया फूड और हमें खतरे के समय में जब जो जोर की की बारिश होने वाली हो मानसून का मौसम आने वाला हो जब जंगल में उतरने में दिक्कत होती हो तो के कीचड़ हो जाता हो पूरा आसपास के नदियां बहने लगती हो तब हम क्या खाएंगे के तो हमने क्या किया हमने भोजन को इकट्ठा करना सीख लिया उठा के ला संभाल के रखना सीख लिया उसको नट के फिर ओवरऑल ओवरऑल हमारी बॉडी जो सीधी खड़ियों ने कर्ट किया हमारी बॉडी का हवा में एक्सपोजर हमारी बॉडी का एक्सपोजर हवा में ज्यादा हो गया हमारे पास स्वेड ग्लैंड होती है तो हम अपनी बॉडी जो अफ्रीका की जो गर्मियां थी वहां का जो हाई हाईटेम्परेचर था उसको टॉलरेट करने के लिए हम सक्षम होंगे क्योंकि हमारे अंदर स्वेड थी और जो है जो बॉडी इसे पसीने का इवॉपरेशन होता था अधिक प्रकार से तो एक तरह का कंडक्टिव इफेक्ट है जिसके चलते क्या हुआ? जिसके चलते जो हीट लॉस को करने से हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में आसानी हुई हमको देखिए ये सब बड़े मजेदार पॉइंट सारे के सारे जो है वो रिसर्च में सामने आए कि रिडक्शन ऑफ ओवरऑल हीट स्ट्रेस फैसिलिटेट हीट लॉस थ्रू कन्वेक्शन बाय एक्सपोजिंग बॉडी टू एयर करेंट ओनली ह्यूमन मोस्चर टू कुल बॉडी मोस्ट एनर्जी दूरी पर जाना है, चार में चलना है। चार की मसल चलते चलते आप चलना और ऐसे अपने हाथ हिलाते हुए चलना तके? दो चीजें होंगी इससे एक तो आप जल्दी थक जाएंगे आप क्योंकि आप क्या कर रहे हैं आप अपनी एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा हाथ में भी खर्च कर रहे हैं पैरों से चलने में तो खर्च करें हाथ में भी खर्च कर रहे हैं हम दो चीजें होंगी एनर्जी कपड़ा हिस्सा खर्च हो थक जाओगे दूसरा लोग पागल समझेंगे ठीक है तो बात इतनी सी है कि जो चार पैरों पर चलने वाले एनिमल हैं वो दे कंज्यूम दे एक्सपेंड मोर एनर्जी सेम डिस्टेंस के लिए हमारे दो ही पैर यूज करना है वही मसल्स यूज करना है हाथ फ्री है पॉकेट में हाथ डाल के चल रहे हैं हम तो ठीक है या हम अपने हाथों में जो है वो पत्थर लेके चल रहे हैं कि कोई आएगा तो मार देंगे उसको हम तो ये हमारे लिए एनर्जी थी लॉन्ग ट्रेवल करने के बेटर विजन हम जो है वो ऊंचे हो गए तो हमारा जिसे हम देखें तो हमारा जो विजन है ना सामने होने दूर से हम देख पाते थे हमारा विजन था और शिकारी को पहचान लेते थे और हमारे हाथ फ्री थे हाथ में पत्थर भी था हु, 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 उठा के मार दिया कहां से पास में आएगा तो थोड़ा टाइगर भी सहम गया कह रहे रुको तब तक भाग गए चढ़ गए पेड़ पर जाके ठीक प्रोसीमियसो जैसे सीमियंस के इलाके जो मनुष्य के समान दिखाई पड़ने वाले थे तो उसके उसके पहले प्रोसीमेन थे इसमें लीमर लॉरिशस टॉर्से आते हैं वो छोटे साइज के थे स्मॉल साइज के थे के रेंजिंग फ्रॉम इनका साइज एक चूहे से लेकर जो है वो एक बिल्ली के बराबर साइज इनका हो सकता है के ये अरबोरियल है होते हैं जो प्रोसीमे होते हैं लीमर लॉरिशस टॉरसे पेड़ों पर पाए जाते हैं इनमें भी पांच उंगलिया आपको देखने मिलती है आठ मिनट के ठीक इनमें भी आपको पांच उंगलियां देखने मिलती है ऑन ईच हैंड एंड फुट इधर क्लॉज और नैल्ड के और ये ओमनीवर्स होते हैं ये जो है वो ये सब तरह के ये जो है वो प्लांट सोर्स को भी खाते हैं और एनिमल सोर्स को भी खाते हैं इनके इनमें लार्ज फॉरवर्डली के बड़े साइज की सामने की तरफ इनमें आंखें होती है इनके और के ये इनकी जो आंखें होती हैं वो नाइट विजन के लिए रात में देख पाने के लिए जो है वो अधिक जो है वो सक्षम होती है और ये नॉक्टर होते हैं रात में जगते हैं रात में अपना फूड लेते हैं ये होते हैं प्रोसीमियस देखते हैं देखिए आप देख रहे हैं टॉर्सियर चूहे के छोटा होता है टॉर्सर दिखाई पड़ा हुआ प्रोसीमन टॉर्सर सामने आंखें देखिए आपके आपके हाथ पैर की उंगलियां देखिए इसके ठीक है ना ये है टॉर्सर ये देखिए ये है लीमर लीमर है देख रहे हैं सामने दो आईज दिखाई पड़ रही हैं इसकी फिंगर्स देखिए आप क्या अपोजिट थम आपको पैरों में भी अपोजिट थम दिखाई पड़ रहा है इसमें ठीक है देखिए अपना हम ये प्रोसीमन देख रहे हैं ठीक है नोथर नॉथर टस जो है नॉथर टस है ये

सिनोजोइक सिनोजोइक एरा में जो कॉन्टिनेंट थे महाद्वीप थे वो उत्तर की ओर मूव कर रहे थे उस समय जो है वो द क्लाइमेट चेंज फ्रॉम वार्म ट्रॉपिकल टू तो क्लाइमेट जो है वो वार्म ट्रॉपिकल से क्या हो गया वो ठंडा होने लगा क्लाइमेट के और ठंडे क्लाइमेट में जो है वो प्रोसिमियन की जनसंख्या पॉपुलेशन जो है वो कम होने लगी क्योंकि दे आर फॉर द ट्रॉपिकल क्लाइमेट के और आज यदि हम देखें तो आज प्रोसीमियन जो है केवल हमको ट्रॉपिकल रीजन में एशिया इंडिया अफ्रीका और मेडागा के कुछ हिस्सों में हमको देखने मिलते हैं के। ये आपको यूरोप में बाकी जगह पर देखने नहीं मिलेंगे केवल आपको प्रोसीमियन आज केवल जो है और सब जगह देखने नहीं मिलते ये भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखने मिलते हैं अफ्रीका में देखने मिलेंगे आपको अफ्रीकन फॉरेस्ट के अंदर मेडागास्कर में सबसे अधिक संख्या में देखने मिलेंगे एशिया में देखने मिलेंगे कुछ जगहों पर आपको और एशिया में हमारे इंडिया के अंदर भी आपको जो है अंडमान्स एरिया जो है जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो एरिया वहां हमको देखने मिलते हैं ठीक है ठीके? प्रो का मतलब होता है बिफोर और सीमे मतलब आप, के मतलब ऐप के तो एप से पहले वाले के तो ये प्रोसीमे मतलब बिफोर एप वाले के तो ये ऐसा मानते हैं कि प्राइमेट जो है प्राइमेट की सबसे पुरानी ब्रांचिंग जो थी वो थी प्रोसीम क्या क्लियर और ये पेलियोसिन युग, युग से इसकी शुरुआत हुई थी ठीक है अब आते हैं एंथ्रोपॉइड की बात करते हैं जो मनुष्य के समान दिखाई पड़ते हैं जो है वो इवॉल्व किए हैं, तो हैं, कि है, हैं और ओलिगोसिन में ये बड़ी संख्या में पाए जाते थे एंथ्रोपोइट के हमने जो है वो तीन परिवारों में बांटा है एंथ्रोपोइट को हमने तीन फैमिलीज में जो है डिवाइड किया एंथ्रोपोइट मतलब जो मनुष्य के समान दिखने वाले हैं ठीक है

पोंगीडी में क्या आते हैं औरंग उठान आता है गुरिल्ला आता है चिमपैनजी आता है और बोनोबो बोनोबो आते हैं जो कि जो है वो जो है वो एक स्मॉल चिंपैनजी होते हैं वो इसमें आते हैं और होमिनिडी के अंदर क्या है बेटा जो है अब जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन इसमें हमने जो है होमोसिपेंस को यहाँ पर प्लेस किया हुआ है ठीक है ना ओल्ड वर्ल्ड मंकी की हम बात करें ठीक है तो देखो आप देख रहे हैं ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी है तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी हमारे सबसे शुरुआती पूर्वजों में से ये एक रहे हैं ठीक है ठीक है ओल्ड वर्ल्ड मंकी जो होते हैं इनमें क्या होता है बेटा इनमें जो है वो दे, 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 दे करता है क्लोज सेट डाउनवर्डली डायरेक्ट इनके जो जो नथुने थे वो नॉस्टिल नॉस्टिले राइट right, नॉस्टिल पास पास में थे और नीचे की तरफ जमीन की तरफ फेस करते हुए थे, इस थे. ये भी ऐप और ह्यूमन के समान दिखाई पड़ते थे इनमें ग्रास्पिंग हैंड थे पकड़ने वाले हैंड थे और नॉन प्रेहैंडल थी इनकी जो टेल थी वो पूछ जो थी वो किसी वो आर्म के समान है देखिए जो 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 न्यू वर्ल्ड मंकी है जो न्यू वर्ल्ड मंकी है उनकी पूछ जो है वो पकड़ने का काम करती है वो चीजों को पकड़ सकती है उसके प्री हेंड टेल होती है इनकी टेल जो है प्री हेंड टैल नहीं दिल के इसमें मकाका बैबून और प्रोबोसिस मंकी इसके अंदर आते प्रोबोसिस मंकी में सूंड के समान दिखाई पड़ता है जो है वो उसमें सूंड के समान नोज नोज जो होती है वो सूंड के समान दिखाई पड़ती है प्रोबोसिस मंकी में के तो मकाका रिसर्स हुआ है बेबून हुए और प्रोबोसिस मंकी हुए वो ओल्ड वर्ल्ड मंकी में आते हैं देखिए ये मका का रिसस ठीक है बेबून ठीक है देखिए ये बेटा क्या है मका का रिसस है रिसस मंकी बेबून एंड दिस इज दी प्रोबोसिस मंकी नोज जो है वो सुन के समान में दिखाई पड़ी ये सब ओल्ड वर्ल्ड मंकी में आते हैं ठीक है फिर प्रेजेंट डे ओल्ड वर्ल्ड मंकी की बात करें हम दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अफ्रीका एंड एशिया या अफ्रीका और एशिया के ट्रॉपिकल रीजन में हमको देखने मिलते हैं आर्थोट टू बी इवॉल्व फ्रॉम प्रीमेटिव एंथ्रोपॉइड एनसेस्टर ऐसा कहा जाता है कि जो आज के जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी है इनका जो पूर्वज रहा है जिसका हमें फॉसिल मिलता है वलिगोसिन पीरियड का था उसे हम बोलते हैं एजिप्टोपिथेकस्ट के तो एजिप्टोपिथेकस्ट जो है वो फॉसिल था एक जिससे ओल्ड वर्ल्ड मंकी जो है वो को जो रिप्रेजेंट करता है जो बताता है कि ओल्ड वर्ल्ड मंकी उससे इवॉल्व हुए थे ठीक है ये इसके फॉसिल मिला है इस करके ओल्ड वर्ल्ड मंकी का फॉसिल है एजेप्टो तो पिथेकस की जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी के जो पूर्वज थे वो एजप्टो तो, पिथेकस थे वो ठीक है ना क्लियर ये हम देख रहे हैं ये ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी का पूर्वज रहा है इससे ही फिर ओल्ड वर्ल्ड मंकी इवॉल्व किए ठीक है फिर आते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी में आते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी जो होते हैं बेटा ये जो है ये एक अलग ब्रांच के? ये ये ब्रांचिंग अलग था ये हमसे पहले जो है यानी जो ब्रांचिंग हुआ मंकी का था एक ओल्ड वर्ल्ड मंकी में न्यू वर्ल्ड मंकी में ओल्ड वर्ल्ड मंकी आर मच नियरर टू अस्ट एज कंपेयर टू द न्यू वर्ल्ड मंकी न्यू वर्ल्ड मंकी जो है दे आर फाउंड इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में देखने मिलते हैं दे प्रोबली इवॉल्व फ्रॉम दी अफ्रीकन मंकी ये अफ्रीकन मंकी से इवॉल्व किए के और ये आ, ये अटलांटिक को से मूव माइग्रेट किए ये वहाँ उस हिस्से से और अर्ली यूसी में माइग्रेट करके वो कहाँ पहुँच गए थे वो सेंट्रल और साउथ अमेरिका वाले हिस्से में ये पहुंच चुके थे के न्यू वर्ल्ड मंकी और जो है वो ओल्ड वर्ल्ड मंकी में फर्क किस बात का है देखो बेटा अब ये क्या ये ऐसे क्वेश्चन है ये बिल्कुल बाउंसर क्वेश्चन है कि कई बार एग्जाम पूछ सकता है प्रीवियस एग्जाम में चुकी, चुकी उस समय क्या था उस समय जो है वो एम्स का पेपर बना करता था अलग से जिपमर का पेपर अलग बना करता था तो चीजें आया करती थी ऑल इंडिया पीएमटी का पेपर भी जो है वो एनसीआरटी के से सत्तर अस्सी होता था लेकिन बाकी क्वेश्चन बीस बाहर से भी आया करते थे ठीक है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर करने का हम कोशिश कर रहे हैं बेटा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जरूरी है उसको हम डिस्कस करें बार बार इसलिए बोलना पड़ता है ताकि आपका आप कहीं कॉन्फिडेंस लूज ना कर जाए अरे सर एनसीआर क्योंकि क्या होता तो है मुझे मालूम है बेटा मुझे मालूम है कि सौ परसेंट करना जरूरी है मुझे मालूम है और मैं करा रहा हूं पढ़ लेकिन जो थोड़ा एक्स्ट्रा माइल चलते ना बेटा वो इसलिए चलते था कि कल को हमारे साथ में कोई गड़बड़ ना हो क्योंकि हमारे हमारी कोई भी कमी का मतलब ये है कि एक साल फिर पढ़ना पड़ेगा

जो वर्ल्ड मंकी होते हैं उनमें नो चीक पाउचेस, नो बटक पैड्स के उनमें जो है गाल में जैसे चीक पाउचेस होते हैं वो नहीं होते हैं उनमें बटक पैड जो जो उनका हम कहते हैं बटक वाला हिस्सा होता है वहां पे पैड नहीं होते हैं उनमें ठीक तो उसके अलावा जो है थम था, इन लाइन विथ अदर डिजिट के उंगलियां जो होती दूसरी दूसरी उंगलियों के समान सीधी रेखा में होती है अपोजिट थम नहीं होता है इनके अंदर अटके ना और ये छोटे से बड़े साइज के मीडियम साइज के होते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकी बिल्कुल मनुष्य के समान दिखाई पड़ते हैं एक्चुअली इनमें जो, है जो है जो है जो हिप बोन होती है उसमें जो है वो फ्लैट फैट जमा होता है और हिप बोन में फैट जमा होने पर बटक पैट्स बनते ब, बनता है अटके ना जिससे वो बैठ पाते हैं आसानी से के थम जो होते हैं रोटेटेड होता है इसमें जो है वो अपोजेबल थम पाया जाता है ओल्ड वर्ल्ड मंकी में ठीक है ना न्यूवल मंकी में कैरेक्टरिस्टिक होती है प्रीहेंसाइल टेल होती है इनकी जो पूछ होती है वो भी पकड़ने का काम करती है प्रीहेंसाइल टेल का मतलब होता है कि ऐसी जो स्पाइडर मंकी इसमें स्पाइडर मंकी अच्छा एग्जांपल है इनकी जो पूछ होती है वो भी आर्म के साथ पेड़ को पकड़ सकती है पूछ से भी पेड़ को ये पकड़ सकते हैं ठीक है प्रीहेंसाइल टेल होती है फ्लैट फिश होता सेपरेटेड नॉस्ट्रिल में पाए जाते हैं और इसमें आते हैं हॉलर स्पाइडर और स्क्रिल मंकी के एक गिलहरी के समान होता है स्क्र मंकी बोलते हैं उसको एक इस मकड़ी स्पाइडर मंकी कलाता है एक हॉलर मंकी कहलाता है ठीक है देखिए ये हॉलर मंकी है हॉलर मंकी ठीक है ये क्या है न्यू वर्ल्ड मंकी है स्पाइडर मंकी ठीक है ये हमें दिखाई पड़ता था स्पाइडर के तो क्या देखा हमने हॉलर मंकी स्पाइडर मंकी देन हम देख रहे हैं स्क्रेल मंकी मंकी कहलाता है ये सब क्या है बेटा ये सब न्यू वर्ल्ड की है नए संसार के बंदर हैं ठीक है ठीके ना ठीके। अब आते हैं ऐप पर हम ठीक है ग्रेट ऐप की बात करते हैं हम और सब ऐप में आते हैं ठीक है ग्रेट ऐप फैमिली पोंगीडी इसमें चिंपैनजी औरंगुटान और गुरिल्ला शामिल, और शामिल, शामिल होते हैं चिंपैन जी और गुरिल्ला इसमें शामिल होते हैं। ये के ऐप में कपी में तो चिंपैन जी जो होते हैं वो ग्रेट ऐप में आते हैं ठीक है देखिए चिंपैन जी चिंपैन इंटेलिजेंट होते हैं समझदार होते हैं ठीक है गुरिल्ला औरंगुटान ठीक है ना

अच्छा ऐसा हेयर स्टाइल सलमान खान ने किसी मूवी में रखा था इसका हेयर स्टाइल तो देखो जरा सी एम एंग का हेयर स्टाइल देखिए आप ऐसा हेयर स्टाइल जो है सलमान खान का मैंने देखा किसी मूवी के अंदर देखा अरे वो मूवी इसमें वो बहुत दुखी रहता है हैरान परेशान घूमता रहता है कौन सी मूवी है मैं नाम बोल रहा हूँ तेरे नाम ठीक है तो भाई साहब ऐसा है कि सलमान खान ने जो है वो सीएमएंग से इंप्रेस होकर जो है हेयर स्टाइल रखा है

आपको एक बार पत्थर हाथ में दिखाई पड़ रहा है फिर आपको बोन से बना हुआ हथियार दिखाई पड़ रहा है फिर भाला हाथ में दिखाई पड़ रहा है एंड देन सबसे होशियार इंटेलिजेंट, ठीक है? दी होमिनट लाइनेस डाइवर्स फ्रॉम ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंड जो होमिनिट लाइनेस है बेसिकली ओल्ड वर्ल्ड मंकी से बने हैं और के बिफोर म्यूसिन बट एग्जैक्टली व्हेन इट्स स्टिल डिडेड कैसा कहते हैं कि म्यूसिन के आस के के ठीक पहले जो है वो होमिनिड की शुरुआत हो चुकी थी लेकिन आ, ये एग्जैक्टली exactly कब हुआ ये नहीं मालूम हमको लेकिन इस एक बात पक्की है

वो डाइवर्सिफाइड हो गए नए इन्वायरमेंट को उन्होंने फेस किया और अपनी संख्या को बढ़ाया उन्होंने इसका मतलब यह है कि जो मंकीज़ थे और प्रोसीमियन थे उसकी तुलना में होमिनिट जो थे वो अधिक इवॉल्व थे अधिक उनके अंदर ऐसे करेक्टर थे कि वो चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन में अपने को जो है जो अपने को जो है वो अडॉप्ट कर पाए और उन्होंने अपनी संख्या को बढ़ाया पॉपुलेशन पॉपुलेशन बिकम के जो 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 एप एप की थी कपी माना थे थे उनकी जनसंख्या उनकी जो पॉपुलेशन थी वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो गई के और एक दूसरे से वो दूर दूर हो गए क्योंकि इन्वायरमेंट बदल रहा था उसमें क्या जोग्राफिकल कंडीशन बदली किस तरीके से इन्वायरमेंट में परिवर्तन आया जिसके चलते क्या हुआ कि ऐप की पॉपुलेशन जो है वो अलग अलग दिशाओं में बढ़ गई अब सुनिए बात मजेदार बात मतलब जो ऐप थे हमसे पूर्वज जो थे हमारे ऐप थे वो ऐप जो है वो उस जो फॉरेस्ट के अंदर कई हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए वो और वो आपस में मिल नहीं पाते थे तो हर एक पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो गई और अलग अलग दिशाओं में जीव विकास होने लगा

यूरेशिया, अफ्रीका का का जो प्लेट था याद है एल्फर्ड बैगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने ने कहा था कि महाद्वीपों का विस्थापन होता है तो यूरोप और एशिया एक साथ जुड़े हुए हैं उस प्लेट को हम यूरेशिया बोलते हैं अफ्रीका की प्लेट आके उससे जुड़, जुड़ी वो देखिए आप अफ्रीका जुड़ा हुआ है हमारे यूरोप एशिया तो क्या हुआ कि जो है वो ये अफ्रीका की प्लेट वहां पर कोलाइड किया आके यहाँ पे और इससे क्या हुआ इससे क्लाइमेट के अंदर और अधिक परिवर्तन हमको जो है वो देखने मिले और इससे क्या हुआ उससे एक नई बात हुई यहां कि जो जैसे ही अफ्रीका सब कुछ चल रहा था अफ्रीका के अंदर अफ्रीका की प्लेट जब यूरोप और एशिया से आके जुड़ी ना तो ये जो एनिमल थे इनको यूरोप और एशिया माइग्रेट करने का मौका मिल गया तो ये चलना शुरू कर दिए ठीक है ये कुछ एशिया पहुंच गए और कुछ यूरोप और सबने अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन को फेस किया और अपने आप को वैसे इवॉल्व किया ठीक है टू एपलाइ ग्रुप इवॉल्व ड्यूरिंग म्यूसिन म्यूसिन के दौरान दो एपलाइक ग्रुप जो है इवॉल्व किए और अल्टीमेटली उन्होंने प्रेजेंट डे होमिट्स को बनाया उन्होंने अर्ली रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग दॉमिनिट्स देखिए यदि हम बात करें तो हमें शुरुआत यानी हम पाते हैं कि हमें कई फॉसिल एविडेंस मिलते हैं मॉलिकुलर डीएनए की हम स्टडी करते हैं ने, जो प्रोसेस मिलते हैं उनसे हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस डीएनए के ने जो हमको ऐसे प्रिजर्व फॉसिल मिले हैं उनसे हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी भी स्टडी करते हैं बैठ के और मॉडर्न ह्यूमन से हम कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं तो हमें और क्लियर पिक्चर मिलती है जब डीएनए की स्टडी करते हैं तो और क्लियर पिक्चर मिलती है किसका डीएनए हमारे अधिक निकट है ठीक है फिर नॉलेज अबाउट दी यूनिवर्सिटी हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपाइड कहां से आया वो हमारा जो भी नॉलेज है ना हम मानते हैं कि मनुष्य के पहले के पूर्वज किस तरीके से रहे होंगे वो सारा नॉलेज कहां से आया है वो आया है फॉसिल से के, और ये फौ, अधिकांश फॉसिल कहां से मिले हमें कम्स फ्रॉम दॉसिल फाउंड इन दी फायम डिस्ट्रिक्ट ए स्मॉल डेजर्ट एरिया साउथ वेस्ट ऑफ कैरो इजिप्ट के मिस्र में कैरो के पास में एक है फायम फायम डिस्ट्रिक्ट के वहां पे छोटा सा डेजर्ट है वहां पे सबसे बड़ी संख्या में हमको फॉसिल्स मिलते हैं के, तो एंथ्रोपॉइड के बारे में कई तरह के फॉसिल वहां से मिले हमें और जिससे हमें और चूंकि उस जमाने में कभी उन, उन, उन जो है वो उन, जो है वो फॉसिल वहां पर कुछ परिवर्तन हुए रेत में दब गए वो तो हमें वो फॉसिल देखने मिल जाते हैं ड्यूरिंग द लेट ईओसिन और ओलिगोस एंड ओलिगोसिन द रीजन ऑफ अफ्रीका वॉज ए लश ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सपोर्टेड एंड एंड के ऐसा कहा जाता है कि योसीन और ओलिगोसिन के आसपास अफ्रीका जो था अफ्रीका जो है वो एक घना जंगल था आज भी आज भी अफ्रीका में ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट दुनिया के सबसे घने फॉरेस्ट में से एक है अफ्रीकन फॉरेस्ट की बात करें अमेजोनियन फॉरेस्ट की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में सबसे घने जंगलों में एक होते हैं तो अफ्रीका के जंगल उस जमाने में और घने गर, थे और वहां पर बड़ी मात्रा में प्लांट्स थे एनिमल्स प्रेजेंट थे के विथ इन दिस फॉरेस्ट फॉरेस्ट लिव्ड मैनी डिफरेंट अर्बोनल एंथ्रोपाइड एज वेल एज प्रोसीम ऐसा कहा जाता है इस फॉरेस्ट के अंदर जो है वो कई प्रकार के पेड़ों पर रहने वाले एंथ्रोपाइड मनुष्य के पूर्वज पाए जाते थे कई तरह के प्रोसीमियंस वहाँ प्रेजेंट थे सेवरल थाउजेंड फॉसिल स्पेसिमेंट हैीजन ऐसा कहा जाता है कि इस रीजन से यानी अफ्रीका के फॉरेस्ट वाले जो रीजन है वहाँ से कई सारे हमको जो है वो फॉसिल स्पेसीमेंट चट्टानों से मिलते हैं हमको और जो बताते हैं कि तकरीबन प्राइमेट्स की 20 से अधिक स्पीशीज थी प्राइमेट्स की मनुष्य जो प्राइमेट्स की 20 से अधिक स्पीशीज वहां पर प्रेजेंट थी ठीक है अब यदि हम यहां पे कंपेयर हम कहते हैं हम कंपेयर करें यदि हम देखें यहाँ पे देखें यहां पे तो हम कंपेयर करते हैं क्वाड्रापेडल और बाइपेडल लोकोमोशन को यदि हम कंपेयर करें कंपेयर करें तो देखिए आप सिंपल सी बात है कि इसमें अब एक बड़ा परिवर्तन अब कोई बोलता है

अपराइट पोस्टर अपराइट हुआ और हमारा जो ब्रेन था अपराइट इवॉल्व बिफोर द लार्ज ब्रेन के पहले हमने अब दो पैरों पर खड़ा रहना सीखा पहले हमने दो पैरों पर खड़ा रहना सीखा उसके बाद हमारा ब्रेन इवॉल्व का साइज बढ़ना शुरू करके देखिए अपराइट पोस्टर इवॉल्व बिफोर लार्ज ब्रेन के, के यानी बड़े मस्तिष्क से पहले जो है वो क्या हुआ पहले बाइपेडल लोकोमोशन इवॉल्व किया विकास हुआ so, इसीलिए आप देखते हैं कि ब्रेन का साइज हम एप मैन से बात करते हैं ऑस्ट्रोपेथिकस रामापेथिकस होमो हेवेलिस होमो इरेक्टस केरा नियंडरथल यूसेपियंस लगातार ब्रेन के साइज में परिवर्तन हमको देखने मिलता है कि बढ़ता हुआ ब्रेन हमको देखने मिलता है ठीक है ठीक ब्रेन साइज देखिए एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें आप देखिए यदि हम देखें यहां पे हम इसको तो न्यू वर्ल्ड मंकी का ब्रेन देखिए आप ग्रेट एप का ब्रेन देखिए और प्रेजेंट डे ह्यूमन का ब्रेन देखिए आप क्या पा रहे हैं आप पा रहे हैं कि ब्रेन के अंदर जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है फ्रंटल वाला एरिया है वो लगातार साइज में बढ़ रहा है ब्रेन के अंदर जो आप देखेंगे कि आपका टेम्पोरल वाला एरिया का साइज लगातार बढ़ रहा है और देख रहे हैं आप सेरीविलम जो, सेरी जो है वो, जो, जो वो, वो साइज को जो है, पर देखने मिल रहा है। तो कुल बात ये, कि हमारे ब्रेन में वो सारे हिस्से बढ़ना शुरू हुए जो अधिक थॉटफुल प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे और जो मोर इंटेलिजेंट हमें बनाने बनाने के लिए जिम्मेदार है ठीक है ना और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कहानी शुरू नहीं हुई अभी तो बात पिक्चर बाकी भाई ठीक है मतलब ये है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त मतलब ये है कि अभी तो हम एनसीआर में इंटर ही नहीं किए इस एक घंटे के लेक्चर में हमने केवल बैकग्राउंड पर बात किया कि पूरा ह्यूमन है देखिए मैं आपको सीधा बोलना शुरू कर दूं दूसरे तो होते हैं रामा तो आप रट याद कर लेंगे रट लेंगे लेकिन मैंने कहा ना आपसे कि स्टोरी शुड बी कि कनेक्टेड होना चाहिए कि मैमस मैमस के बाद हमने कहा कि जो है वो अपना आ, मैंने कहा आपसे कि जो प्राइमेट्स हमने कहा प्रोसीमियंसम न्यू वर्ल्ड मंकी ओल्ड वर्ल्ड मंकी के के फिर हमने कहा द ह्यूमंस तो पूरा सीक्वेंस हमने यहाँ पर देखा

कई बच्चे बार बार एक क्वेश्चन करते हैं यूट्यूब पे भी प्लेटफॉर्म पे पूछते हैं अलग अलग पूछते हैं कि, कि हम बायोमेट्रिक्स की डीपीपी लगाते हैं हम टेस्ट देते हैं हम लेक्चर सुनते हैं नोट्स मांगते हैं बुकलेट पढ़ते हैं क्या कुछ और करने की जरूरत है अब और क्या करोगे दादा बस काफी है सेवन आउट ऑफ सेवन के लिए काफी है बेटा क्या फिर तो प्रोफेसर बन जाओगे उसके ऊपर जाओगे तो जरूरत नहीं है जो बता रहे हैं उसको दिमाग में रहना के मैंने पहले भी आपसे कहा हंड्रेड परसेंट एनसीआर कवर कर रहे हैं विथ समय सिलेबस जो हमारे आप देखो इसके लिए आप हमको चार बातें कैसे तो सर क्यों कर रहे हो अरे भैया देखो हम तो जो है बिल्कुल रेगुलर बैच बैच को बिल्कुल वैसे पढ़ा रहे हैं हम कि कोई पेपर कहीं दुनिया में कोई भी कहीं आपको पेपर देगा आप पेपर को फोड़ के आएंगे वैसे के प्रीवियस ईयर के एग्जाम आपको लाइन बतलाते हैं कि कैसा पेपर आ सकता है क्या अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो सकते हैं पेपर में हैं। तो यू शुड बी ऑलवेज प्रेपर अबाउट क्योंकि लोग घबरा रहे थे हाथ रहे थे। क्या ऐसा पेपर आ गया तो क्या होगा नहीं आया क्योंकि पेपर पहले बन चुका था डेटाबेस बाद में इंप्रूव किया उन्होंने मैं बार बार कह रहा आपसे बात करके प्लीज हो सकता है पेपर पूरा एनसीआरटी के बेसिस पे आ जाए लेकिन ये भी हो सकता है पेपर का लेवल बढ़ा दे वो नॉर्मल स्टैंडर्ड जो पेपर का था वो मैंने सर के आप देखिए फिफ्टीन का पेपर सिक्सटीन का पेपर के देखिए आपके आप, आप बोलोगे सर वो पेपर ए ने नहीं बनाया था अरे भाई एन टी ए चमत्कारी संस्था थोड़ी थो है एक एक टेस्टिंग एजेंसी है के पेपर बनाने का काम अभी भी प्रोफेसर के पास में है जो एक्सपर्ट्स है उनके पास में पेपर, पेपर बनाने का काम ठीक है ना इसलिए प्लीज अपने आप को सहूलियत में रखकर खतरे में मत डालिए थोड़ा बाहर निकलिए क्वेश्चन लगाइए मैं कहता हूँ ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनने लगे आपसे तो प्रेजेंट पेपर आप जरूर फोड़ के आ पाएंगे एनसीआर पूरा कवर कीजिए दस सालों के क्वेश्चन का ट्रैक रखिए क्या क्वेश्चन पूछे गए सारे बनना चाहिए आपसे बस काफी है, इसके ऊपर कुछ करनी नहीं, ठीक है ना तो पढ़ते रहिए मेहनत करते हायफेस्टोन बायोमैट्रॉइन अस डब्ल्यू डब्ल्यू Here you can solve daily practice papers. An online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a mentor's online app from Google Play Store.